क्रिकेट के इतिहास में गेंदबाजों के लिए रामबाण गेंद यॉर्कर होती है, और यदि आपके पिटारे में सटीक यॉर्कर है तो आप क्रिकेट पर राज कर सकते हो। और यदि इसके बादशाह की बात करें तो रावण के देश का प्लेयर लसित मलिंगा को कहा जाता है। और यदि किसी इंडियन प्लेयर की तरफ रुख करें तो जहीर खान के बाद सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का आता है, क्योंकि बुमराह के पास भी सटीक यॉर्कर का खजाना है, और इसका सबसे बड़ा कारण भी लसित मलिंगा ही है, क्योंकि बुमराह और मलिंगा मुंबई इंडियंस के लिए एक साथ आईपीएल में खेलते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे गेंदबाज के बारे में बताने वाला हूं जिसे ना ही लसित मलिंगा का साथ मिला और ना ही जसप्रीत बुमराह का, लेकिन फिर भी उसकी यॉर्कर से बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। उसका नाम है टी नटराजन। इस प्लेयर को सिर्फ इसकी सटीक यॉर्कर के बल पर ही टीम इंडिया में चुना गया था, क्योंकि आईपीएल के एक सीजन में नटराजन ने सबसे ज्यादा यॉर्कर गेंद फेंकी थी। लेकिन इस खिलाड़ी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसका लोग नाम तक भूल गए? जिस खिलाड़ी को इंडियन टीम का भविष्य कहा जा रहा था उसका नाम इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? जिस खिलाड़ी को जहीर खान का रिप्लेसमेंट माना जा रहा था उस खिलाड़ी की कोई चर्चा तक नहीं करता। तो टी नटराजन ने इंडियन टीम में 2020 को ही अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 दिसंबर को खेल लिया था, और अपने पहले मैच में 10 ओवर में 70 रन देकर 2 विकेट भी झटके थे। और इंडियन क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ही दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर लिया, और उनके प्रदर्शन से भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन टी नटराजन को उनकी चोट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। आईपीएल के दौरान भी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी टीम में नज़र नहीं आए, और हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी में भी उनको नहीं चुना गया, क्योंकि अभी वह पूरी तरह से फिट नहीं हो सके हैं। यदि यह प्लेयर फिट होकर टीम में वापस आता है तो बुमराह, अर्शदीप और नटराजन की जोड़ी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के बल्लेबाजों के लिए काल बन जाएगी। क्या नटराजन फिट हो जाते हैं तो उनको टीम इंडिया में जगह मिलेगी कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि देश आज़ाद है, अपनी राय आप रख भी सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।